Assalamu alaikum, 10th class. Today we are going to learn the last two paragraphs of chapter 1, and the chapter is Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and embodiment of justice. Let's start it. First hum log iski reading karenge. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, he proclaimed, "If I owed something to anyone, or if I wronged any person, or damaged anyone's property or honor, my person, my honor, and my property are here. He may take revenge from me in this world." There was complete silence. Only one person demanded a few dirhams, which were paid to him. यस, तो राइटर जो है वो इस पैराग्राफ में ये बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिम्मे कभी भी किसी भी शख्स का कुछ भी नहीं रखा, हत्ता कि विसास से पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमाया कि अगर मैंने किसी शख्स का कुछ अदा करना है या मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है तो मुझसे इस दुनिया में ही बदला ले सकता है। तो ये चीज़ जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, ये हमें भी सिखाता है कि हमें भी ना तो किसी के साथ ज्यादती करनी चाहिए, और अगर हम किसी के साथ ज्यादती के मुर्तकीब होते हैं इस दुनिया में तो हमें उसका बदला इस दुनिया में ही उस शख्स को दे देना चाहिए या उससे माफ़ी जो है वो मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अमाल हैं वो सब इसी लिए हैं कि हम उनकी पैरवी करें और उनको फॉलो करें। तो अब हम इसके, मैं आपको वर्ड मीनिंग बताती हूँ। वाइल, जबकि, प्रोक्लेम्ड, ऐलान किया, ओड, जिम्मे हों, प्रॉपर्टी, मलकियत, जायदाद, रोंग्ड, बुरा किया, रिवेंज, बदला, साइलेंस, खामोशी, डिमांडेड, मुतालबा किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। व्हाइल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड, ही प्रोक्लेम्ड, इफ आई ओव्ड समथिंग टू एनीवन, और इफ आई रोंग्ड एनी पर्सन, और डैमेज्ड एनीवन्स प्रॉपर्टी और ऑनर, माय पर्सन, माय ऑनर एंड माय प्रॉपर्टी आर हियर, ही मे टेक रिवेंज फ्रॉम मी इन दिस वर्ल्ड। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तरे मर्ग पर थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि अगर मेरे जिम्मे किसी का कुछ हो या मैंने किसी के साथ किसी शख्स के साथ ज्यादती की हो या फिर मैंने किसी की जायदाद को इज्जत को नुकसान पहुंचाया हो तो मेरी जात, मेरी इज्जत और मेरी जायदाद यही है, वो मुझसे इस दुनिया में ही बदला ले सकता है। देयर वाज कंप्लीट साइलेंस, हम कमल खामोशी थी। ओनली वन पर्सन डिमांडेड अ फ्यू दिरहम्स व्हिच वर पेड टू हिम, सिर्फ एक शख्स ने कुछ दिरहमों का मुतालबा किया जो कि उसे अदा कर दिए गए। यस, वी कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड वी आर गोइंग टू रीड इट। अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव्ड बाय हिज ओन एग्जांपल दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस देन हिम, इवन इफ इट वाज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर नियर एंड डियर टू हिम। He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. People of all ages can find something in his life to provide them with guidance in their various fields of activity. The Holy Quran clearly mentions this aspect of his life. We have indeed in the Messenger of God a good example of conduct for anyone whose hope is in God and the final day. यस, तो इस पैराग्राफ में राइटर जो है वो ये हमें बताता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इंसाफ करने के लिए कोई भी पुरअज़म नहीं था, अगरचे कि इंसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारों के खिलाफ ही क्यों ना होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारी ज़िंदगी जो भी मसाइल, जो भी मुकदमे आते रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़ैसला हमेशा इंसाफ के साथ किया। तो इस किस्म की कदावर शख्सियत का जो शख्स है वो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद हो जाता है। क्यों आजाद हो जाता है? क्योंकि इस तरह का जो शख्स है, जो इस कदर इंसाफ पसंद है और अपनी जात उसकी इस इंसाफ में हायल नहीं होती, तो वो जमानो मकान की पाबंदियों से कैद हो जाता है। हर जमाने के लोगों के लिए वो एक मिसाल बन जाता है। और ये चीज जो है ये कुरान पाक में भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है वो पैरवी के लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल है।
Now I'll tell you the meanings of the words. तो फर्स्ट है बेटा फर्म पुख्ता जस्टिस इंसाफ अगेंस्ट मुखालिफ डिसाइडेड फैसला किया फो दुश्मन फेवर हिमायत मैग्नीट्यूड कादावर हुजम ट्रांसेंड पार कर जाता है बैरियर्स रुकावटें गाइडेंस रहनुमाई वेरियस बहुत से एस्पेक्ट पहलू कंडक्ट रवैया तो अब हम करेंगे इसको ट्रांसलेट करेंगे लाइन बाय लाइन अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव बाय हिज ओन एग्जांपल दैट नो वन कुड बी मोर फर्म फॉर जस्टिस देन हिम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली मिसाल से साबित किया कि कोई भी इंसाफ के लिए उनसे ज्यादा पुरअज़म नहीं हो सकता इवन इफ इट वॉज अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट और द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु आर नियर एंड डियर टू हिम अगर चाहे ये इंसाफ उनकी अपनी जात और मुफाद या फिर उनके उनके प्यारों के मुफाद के खिलाफ ही क्यों ना हो He decided every case brought to him by friend or foe with justice, without fear or favor. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुकदमे का फैसला चाहे वो दोस्त या दुश्मन की तरफ से लाया गया हो उन हमेशा इंसाफ से किया बगैर हमायत या डर के A person of such magnitude transcends the barriers of time and space. इस किस्म की कदावर शख्सियत का हामिल शख्स जमान व मकान की कैद से आजाद हो जाता है या जमान व मकान की रुकावटों को अबूर कर जाता है पीपल ऑफ ऑल एजेस कैन फाइंड समथिंग इन हिज लाइफ टू प्रोवाइड देम विद गाइडेंस इन देयर वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी तमाम जमानों के लोग हर जमाने के लोग अपने मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में उनकी मिसाल से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं द होली कुरान क्लियरली मैंशन दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ कुरान पाक उनकी जिंदगी के इस पहलू को वाज तौर पर बयान फरमाता है वी हैव इन डीड इन द मैसेंजर ऑफ गॉड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ कंडक्ट फॉर एनी वन हुज होप इज इन गॉड एंड द फाइनल डे कि हम अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना या बेहतरीन उसवा हसना मौजूद है हर उस शख्स के लिए जिसे अल्लाह पर और आखरत के दिन पर ईमान है स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन फिनिश हुई और इसके साथ साथ ही चैप्टर नंबर वन की जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हुई तो स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू एडवाइज यू इन द एंड दैट यू डोंट हैव टू मक अप ऑल द ट्रांसलेशन एज इट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड देन यू विल बी एबल टू डू द ट्रांसलेशन बाय योर सेल्फ विद दिस पीस ऑफ एडवाइस प्लीज आई वॉन्ट टू से गुड बाय टू यू इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़